डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूनिवर्सल। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 देखेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो सब नए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में बताइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है। मतलब कंडीशन क्या था, अगर दो सेट हैं दोनों बराबर होंगे जब उसके अवयव सेम हो, मतलब कि बराबर हो, अवयव बोलिए या एलिमेंट बोलिए। तो पहला नंबर में देखिए, ये ए बराबर ए बी सी डी है, चार अवयव चार एलिमेंट है। बी में क्या है, डी सी बी ए, इसका क्रम उल्टा है, उससे कोई लेना देना है, लेकिन क्या ए बी सी डी है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखिए, ए बराबर 4, 8, 12, 16, इसमें बी बराबर में देखिए 4, 8, 16, 18 है, तो ये हमारा बराबर हुआ नहीं हुआ, तो ये ए सिर्फ यहाँ पे है अथवा नहीं है, तो ये नहीं लिखना है इसको दूसरा में। तीसरा में क्या है, ए बराबर 2, 4, 6, 8, 10 है। अब बी में देखिए, एक्स सच दैट एक्स सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक क्या हो गया, 2, 4, 8, 10, 12, लेकिन कंडीशन क्या हो गया यहाँ पे, एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू 10 है ना, तो यहाँ से 2, 4, 6, 8, 10 तक तो हो सकता है, तो इसमें क्या एलिमेंट है, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ए बराबर बी हो जाएगा तीसरे नंबर में भी। चौथा नंबर देखते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है, एक्स संख्या जो है 10 का एक गुणज है, मतलब कि कोई भी संख्या है लेकिन ये 10 का गुणज बोले तो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 10 का मल्टीपल, ठीक है। अब बी बराबर क्या हो गया यहाँ पे, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि इसमें सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 रहता तो हो जाता है यहाँ, लेकिन 15, 25 भी है, तो ये हमारा ए इज इक्वल टू बी नहीं होगा। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देखना समझ जाना है। क्या निम्नलिखित समुच युग्म समान है, मतलब कि वही बराबर है या नहीं है, कारण सहित बताइए। अब कारण सहित बताना है इसमें, ए इज इक्वल टू 2, 3 है। अब बी क्या है, एक्स सच दैट एक्स समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। अब इसका हल निकालने जाइएगा तो किस तरह से तोड़ते हैं इसको, 2x + 3x होगा या नहीं होगा, देखिए इसका हल कैसे निकालते हैं, पांच नंबर का मैं बता रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 2, 3 ये है ना हमारा, और b क्या है, x सच दैट x समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है। तो इसका हल निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 इज इक्वल टू 0 करने के लिए इसको निकालेंगे, 2x + 3x + 6 इज इक्वल टू 0, ऐसे इस तरह से निकालते थे, x कॉमन प्लस x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 कॉमन आ गया और x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हमारा लाइज दैट लिखिए, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -3, तो ये -2 एलिमेंट होगा और -3 होगा b का, ठीक है। यहाँ से जो निकलेगा b इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, -2 -3, लेकिन a में क्या है, +2 + 3 है, इसमें -2 - 3, तो ये हमारा नहीं होगा, युग्म समान नहीं है, ठीक है। और दूसरा क्या देखते हैं,
एक्स लिख ही देते हैं ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है बी में, क्या है हमारा वाई सच दैट वाई शब्द वॉल्फ का एक अक्षर है, ठीक है। अब इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कितना एलिमेंट है, एफ है, ओ है, एल है और डब्लू है। और बी को लिखेंगे तो ये डब्लू है, ओ है, एल है और एफ है, तो ये हमारा दोनों बराबर युग्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी चार एलिमेंट आ गया एफ ओ एफ ओ एल डब्लू, इसमें भी ये डब्लू ओ एल एफ, मतलब कि सेम ही एलिमेंट है, तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा, समुच युग्म समान है। अब छठा नंबर देखते हैं, यहाँ देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए बुक से, क्लियर कर लो उसको, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है इसमें, घबराने की जरूरत नहीं है। ए इज इक्वल टू नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए, कौन कौन सब समान समुच्च होगा। अब देखिए ए में क्या है, टू फोर एट ट्वेल्व, टू फोर एट ट्वेल्व वाला कोई देखिए है नहीं, एक ये नहीं है, बी वाला में देखिए किसी से मिलता है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, तो ये बी और डी हो जाएगा हमारा समान समुच्चय। सी में देखिए फोर एट ट्वेल्व फोर्टीन, कोई है, सी वाला किसी में नहीं मिलेगा। फिर डी वाला में देखिए, डी वाला में तो वही था डी बी, और ई में देखिए माइनस वन वन माइनस वन, ई और जी हो जाएगा माइनस वन वन। एफ का देखिए जीरो ए है, जीरो ए किसी में है नहीं है, जी का तो ई है, एच का जीरो वन कोई नहीं, तो हमारा दो ही मिला, एक तो बी डी उसके बाद ई जी, दो समुच्चय है समान समुच्चय। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और जो सब नए हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ाता हूँ, इससे पहले टेंथ का मैथ मैंने कंप्लीट किया था, उसमें भी कुछ रह गया तो वो भी मैं कंप्लीट कर दूँगा, जो सब आपके जूनियर हैं आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है, टेंथ का। और आप लोग में जो सब टेंथ एलेवंथ का जो है मैथ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, आप उसको भी अपने दोस्तों को भी रेफ़र कर दीजिए, ताकि वो भी आके यहाँ पे देख सके और समझ सके। आप लोग को जब भी टाइम मिलता है तो आप लोग क्या करो, ऑफलाइन पढ़ो, कोई बात नहीं, मैं मना नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग ऑनलाइन के जो क्लासेस हैं ना, उसको आप कहीं भी जा रहे हो कान में ईयरफोन लगा करके देख लो, समझ में आ जाएगा, आप हमेशा टॉप फर्स्ट वाले बेंच पे बैठोगे, आपको डर ही नहीं रहेगा कि सर क्या पूछ लेंगे, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हाँ मेरे को आता है ये वाला क्वेश्चन तो मैं बना लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और अगर आप एक बार फर्स्ट बेंच पे बैठने लगोगे ना तो हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही बैठोगे, और इसका मतलब बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर, जो भारत बोलते हैं ना वही वाला बात हो जाएगा, आत्मनिर्भर बन जाओगे आप, और हमेशा सब सब्जेक्ट में आप आगे बैठना चाहोगे कि हाँ मुझे सब चीज़ आता है, और वो आप इंटेलिजेंस की ओर लेके जाता है। तो इतना ही, नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट वाला जो थ्योरी है वो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच।